हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की ज्ञानशाला में। आज हम बात करेंगे विद्यालय यानी स्कूल्स के बारे में। कई हजार वर्ष तक अध्यापन का काम परिवार के अंदर ही होता था, लेकिन जब आदमी ने लिखना सीख लिया तो इस तरह पढ़ाई का काम चलना कठिन हो गया। प्राचीन काल में मिस्र में कुछ लोग लिख पढ़कर ही अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इन्हें लिपिक कहते थे। अगर कोई बालक पुरोहिती या लिपिक बनना चाहता था तो उसे किसी लिपिक गुरु के पास जाकर ज्ञान का अर्जन करना पड़ता था। मिस्र की ही भांति बेबीलोनिया में भी विद्यालय थे। चीन, यूनान, रोम, इन सभी स्थानों में शताब्दियों पहले विद्यालय थे। भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी है। राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र थे। श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से शिक्षा पाई थी। ऋषि कुलों और गुरु कुलों की परंपरा बड़ी प्राचीन है। इसके बाद भारत में नालंदा, तक्षशिला आदि जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बने। आज भी भारत के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। यूरोप में मध्य युग में गिरजाघरों में स्कूल खुले। फ्रांस के सम्राट शर्लेमेन ने विद्या के प्रसार और विस्तार में बड़ी रुचि ली। उसने बिशपों से स्कूल खुलवाए। एक स्कूल तो उसने अपने राजमहल में ही खुलवा लिया। इंग्लैंड में अल्फ्रेड द ग्रेट ने यूरोप से विद्वान निमंत्रित किए। एक स्कूल महल में खोला गया। एक स्कूल महल में खोला गया। शर्लेमेन की तरह अल्फ्रेड का स्कूल भी केवल लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियों को जो शिक्षा माता से मिल जाती वही उनके लिए पर्याप्त समझी जाती थी। उन्हें खाना बनाना, सीना पिरोना और घर गृहस्थी के काम ही सिखाए जाते थे। कोई 150 बरस पहले तक इंग्लैंड में गरीबों को शिक्षा पाने के बहुत कम अवसर मिलते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक पठन पाठन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन होने लगे। औद्योगिक क्रांति हुई। इसकी वजह से हजारों आदमी शहरों में काम करने के लिए आ बसे। गरीबों और उनके बच्चों को 12-12 घंटे तक कारखानों में काम करना पड़ता था। रविवार को बच्चे सड़कों पर यूं ही घूमते फिरते रहते थे। इसलिए रविवार को चर्चों में स्कूल शुरू हुए। ये स्कूल इन्हीं गरीब बच्चों के लिए थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक शालाएं मुख्यतः चर्चों में ही होती थीं। अध्यापकों की कमी थी, इसलिए बड़े बच्चों को अपने से छोटे को पढ़ाना पड़ता था। इंग्लैंड में स्कूलों को खोलने और चलाने के लिए सरकार ने सहायता सबसे पहले सन 1833 में दी। उसी वर्ष यह कानून पास हुआ कि 9 वर्ष से कम का बच्चा कारखानों में काम नहीं कर सकता। सन 1870 में बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। आजकल इंग्लैंड में सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल साथ साथ चलते हैं। भारत में भी निजी स्कूल हैं। इनमें से कुछ सरकारी सहायता से चलते हैं और कुछ बिना सरकारी सहायता के। भारत के स्कूलों में पहले हाई स्कूल तक शिक्षा दी जाती थी। अब हायर सेकेंडरी या उच्चतर माध्यमिक व्यवस्था लागू है। उससे आगे BA, MA, डॉक्टरेट के लिए विश्वविद्यालय या उनसे संबद्ध कॉलेजों में पढ़ना पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए मुख्यतः स्थानीय संस्थाएं उत्तरदायी हैं। तो ये थी बच्चों आज की ज्ञानशाला। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ बने रहें हमारे चैनल स्वदेश वाणी के साथ। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।